हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल किड्स फन बाय आराध्य। भाई हम अजमेर से चल रहे हैं अभी पुष्कर के लिए। तो देखिए ये पुष्कर की पहाड़ियां स्टार्ट हो गई है, तो मैं आपको दिखा रहा हूँ ये पुष्कर का रास्ता अजमेर से, जो कि लगभग 14 किलोमीटर है, बस केवल ज्यादा नहीं है, पुष्कर से बहुत नजदीक है। तो ये पहाड़ियां जो आपको सामने दिखाई दे रही है, इन पहाड़ियों पे चढ़ना है और बस वापस नीचे उतरते ही आपको पुष्कर आ जाएगा। तो चलिए दिखाते हैं अभी पूरा रास्ता पुष्कर का और पुष्कर में क्या क्या चीजें घूमने की है, तो आपको जो है घुमाएंगे अच्छे से, बने रहिए वीडियो में। तो भाई मसूरी के जैसी पहाड़ियाँ आपको ये देखने को मिलेगी पुष्कर के रास्ते में। जैसे मसूरी जाते हैं तो इसी तरह की कुछ चढ़ाई है अजमेर से, जैसे देहरादून से मसूरी की चढ़ाई होती है तो कुछ कुछ इस तरह की है। हालांकि बिल्कुल सेम तो नहीं है, लेकिन फीलिंग वही आएगी आपको जब आप अजमेर से पुष्कर जाएंगे। तो देख सकते हैं कितनी ऊँची पहाड़ियाँ है, ये रास्ता मैं आपको पूरा दिखा रहा हूँ पुष्कर का। ये देखिए कितनी जबरदस्त चढ़ाई है यहाँ पे, और जो सामने पहाड़ है वो कितना शानदार पहाड़ लग रहा है भाई, और धूप अच्छी खिली हुई है। 25 दिसंबर से पड़ रही थी ना, हमारी पहली पड़ जाने भाई। जैसे ही हम अजमेर पहुंच गए तो ट्रेन से उतरे और बाहर निकले तो धूप अच्छी आ गई। 10 बजते ही यहाँ पे बहुत ही शानदार धूप निकल आती है, और हम जो है काफी दिनों से सूर्य देव के दर्शन नहीं हुए थे, तो अजमेर आते हैं भाई आज सूर्य देव के दर्शन हो गए बहुत दिनों के बाद। ये देखिए कितनी अच्छी धूप खिली हुई है यहाँ पे। ये प्राचीन मंदिर है हनुमान जी का, किस तरह से पहाड़ियों को काट के रास्ता बनाया गया है। ये देखिए सामने पहाड़ियां काट कर रास्ता बनाया गया है पुष्कर के लिए। ये देख सकते हैं इधर पहाड़ अपने आप चले जा, ये काट के बनाया गया रास्ता है। ओके, यहाँ से दिखाई दे रहा है, और भी ऊपर हमें जाना है। देखिए अभी पहाड़ काफी ऊंचाई बाकी है, हम जो है चढ़ाई से नीचे उतरना शुरू हो गए, पहाड़ से नीचे आ गए हैं। देखिए अब हम ढलान पे हैं, और नीचे आते ही पुष्कर में हम प्रवेश कर जाएंगे। ये देखिए धुंधला धुंधला पहाड़ आपको दिखाई दे रहा है, क्योंकि थोड़ा बहुत ऊपर कोहरा है हल्का हल्का। तो भाई पहाड़ी से नीचे आते ही सबसे पहले श्री चमत्कारी बालाजी मंदिर सबसे पहले आ गया है, बालाजी के दर्शन आप यहाँ पे कर सकते हैं आते ही पहाड़ी से नीचे। तो भाई राजस्थान में आते देखो थोड़ी गर्मी का असर हो गया है, मेरा मन कर रहा है कि टोपा उतार दो जा, क्योंकि काफी तेज हो गई है धूप। ये देखिए जैकेट भी निकलने वाली है, काफी गर्मी लग रही है गाड़ी में। देखिए हमारे साथ भाई कौन कौन है आज, हमारे काफी पुराने मित्र कुलदीप और भाई धीरज का है, दिखाई नहीं दे रहा हूँ के पीछे भाई धीरज भी है। इधर जो है ये हमारे भैया हैं, आपका नाम क्या है? इकबाल जी है, यहाँ से ही है भैया राजस्थान से ही, और प्रकाश जी भी हैं यहाँ पे, ये देख सकते हो आप। तो भाई सभी हम जा रहे हैं पुष्कर और करेंगे वहाँ पे काफी एंजॉय भी, और आपको दिखाएंगे भाई क्या क्या चीजें हम वहाँ पे करने वाले हैं। तो सब चीजें इस वीडियो में आप बने रहिए लास्ट तक। ये देखिए ब्रह्म द्वार है, अब हम पुष्कर में प्रवेश कर चुके हैं। लिए भाई चेकिंग, ब्रह्म मंदिर खुलने का समय 5:30 बजे। ये टोल नाका है देखो, यहाँ पे कितने की रसीद बनाई? 30 रुपए भाई, 30 रुपए की ये रसीद होती है। अगर आप अपने व्हीकल से आएंगे तो 30 रुपए की आपको रसीद कटवानी पड़ती है पुष्कर में एंट्री करने के लिए। ये एंट्री फीस लगी सर? और ये एंट्री फीस है यहाँ पे। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। लो भाई रख लो इसको, ये पकड़ प्रकाश इसको पकड़। भाई बाबू लाए थे, बाबू लाए थे, अब लाए दिया ये भाई
लेदर हैंडीक्राफ्ट है यहाँ पे, लेदर की आपको सभी चीजें मिल जाएगी। तो देखिए हम पुष्कर के मार्केट में पहुंच गए हैं अभी, शर्मा जी यहीं पे थे। और पुष्कर के मार्केट में आपको बहुत सारी चीजें मिल जाती है। आगे गेट है, यहाँ से आगे आपको पैदल जाना होगा भाई। देखो यहाँ पे बोर्ड लगा हुआ है राजस्थान पुलिस। पहाड़ी पे एक ही मंदिर है, देखिए यहाँ पहाड़ी की चोटी पर बहुत ही ऊंचाई पर आपको एक मंदिर दिखाई दे रहा है, जो कि सावित्री देवी का मंदिर है, जो कि ब्रह्मा जी की पत्नी थी और इन्होंने ही ब्रह्मा जी को श्राप भी दिया था। तो उसके पीछे क्या स्टोरी है वो भी बताई जाएगी आपको। भाई दोस्तों, करण अर्जुन आपने मूवी देखी होगी, तो उसमें जो माता का मंदिर था उसकी शूटिंग यहाँ पे हुई है। देखिए अभी थोड़ा धुंधला दिखाई दे रहा है क्योंकि बहुत ऊंचाई पे है, तो मैं आपको वो भी जाके आज दिखाऊंगा, ठीक है, कहाँ पे शूटिंग हुई थी करण अर्जुन मूवी की। तो पुष्कर काफी अच्छी जगह है भाई घूमने के लिए, तो आपको सारी चीजें इस वीडियो में आज दिखाई जाएगी पुष्कर की। काफी ऊंचाई पर वो मंदिर बना हुआ है, माता का मंदिर है वो, जहाँ पे करण अर्जुन की माता रहती थी, उनका इंतजार करती थी कि मेरे करण अर्जुन आएंगे, ठीक है। तो उनकी उनकी जो है दुआ पूरी भी हुई थी भाई। तो वो मंदिर जो है काफी ऊंचाई पे है, तो हम वहाँ भी आपको लेके चलेंगे। देखिए थोड़ा मैं आपको जूम करके दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, ये देखिए आपको थोड़ा सा चोटी पे, बिल्कुल चोटी के ऊपर बना हुआ है, बहुत ऊंचाई पे है वो। दोस्तों ये वो जगह है जहाँ पे पुष्कर का मेला, यानी कि जो एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला माना जाता है, हाँ ये उसका एंट्री गेट मैं दिखा रहा हूँ आपको। तो यहाँ पे वो मेला भरता है नवम्बर के महीने में। चलिए आपको अंदर से भी दिखा देता हूँ, ये ग्राउंड है मेला ग्राउंड, और देखिए यहाँ पे रेती रेत है, ये देख सकते हो आप, देखो किस तरह की यहाँ पे रेतीली जमीन है भाई। देखिए बहुत बड़ा ग्राउंड है, काफी बड़ा ग्राउंड है ये, देखिएगा। अभी नवंबर के महीने में ही हाल ही में जो है वो मेला लगा था यहाँ पे, काफी बड़ा मेला लगता है यहाँ पे, दुनिया भर के लोग घूमने आते हैं इस मेले को देखने के लिए। विदेशों से बहुत ज्यादा पर्यटक यहाँ पे आते हैं पुष्कर में, बहुत सारे विदेशी अभी यहाँ पे मिल जाएंगे आपको देखने को, तो वो भी हम आपको दिखाएंगे और कुछ कोशिश करेंगे कुछ लोगों से बात करवाने की। वीडियो के बारे में हमें कमेंट जरूर करते रहा करो, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने रिलेटिव्स के साथ शेयर जरूर करिए। तो आपको बहुत सारी जानकारी मैं आज देने वाला हूं। तो चलिए दोस्तों चलते हैं। तो भाई ये आपको मैंने मेला दिखाया है, अभी मैं आपको और बहुत सारी चीजें दिखाऊंगा। पुष्कर की सारी चीजें इसी चैनल पर आपको मिलने वाली है, किड्स फन बाई आराध्या में, तो वो भी दिखा देता हूँ मैं। ये देख सकते हैं आप, ये हाथों से बनाए जाते हैं चीजें। ये देखिए जो हीटर होता है बिजली का हीटर, ये आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे। ये जेली है, जेली जो खेत में काम की जाती है, इस तरह की यहाँ पे कढ़ाई वगैरह, ये देखो किस तरह से हाथों से बनाया जाता है ये सब चीज़ें। ये देखो कुल्हाड़ा दोस्तों, ये है यहाँ पे प्रसाद की दुकान है, तो यहाँ से हमने प्रसाद लिया है। अब चलते हैं हम अंदर, यहाँ पे अपने शूज भी हमने यहीं पर रखे हैं, देखो वहाँ पे अपने शूज रखे हैं, और अब हम यहाँ से चलते हैं अंदर। ये जो लाइनें बना रखी है इन्होंने अंदर जाने के लिए लाइनें हैं, तो चलिए चलते हैं भाई अंदर और आपको दिखाएंगे, ब्रह्मा जी के दर्शन भी कराते हैं। हाँ बहुत बड़ा मंदिर है भाई, ये है मेन मंदिर। देखिए भाई कितनी ऊंचाई पे हैं अभी हम, रास्ता है भाई। तो गाइस ये ब्रह्मा जी का मंदिर है जहाँ पे अभी हम खड़े हैं, मेरे पीछे आप देख सकते हो, लेकिन यहाँ अंदर की वीडियो बनाना अलाउ नहीं है, वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा सुरक्षा है भाई। तो ब्रह्मा जी के मंदिर में अंदर वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी जो है अलाउ बिल्कुल नहीं है, लेकिन हमने कोशिश की आपके लिए भाई। थैंक यू फॉर वॉचिंग।